एक गरीब आदमी था। वह रोज किसी काम की तलाश में रहता, कहीं कोई काम दे तो ठीक, नहीं तो पास के जंगल से कभी लकड़ियां बटोर कर, फल फूल तोड़कर या कोई बूटी ढूंढकर बेच देता था। बस किसी प्रकार वह अपने परिवार को पाल रहा था। एक दिन की बात है, वह कई लोगों के पास काम के लिए गया, पर किसी ने कोई काम न दिया। उसे बहुत भूख लगी थी, तो वह पास के मंदिर चला गया। पुजारी जी को उसकी दशा पता थी। आओ आओ महावीर, आज कैसे आना हुआ? पुजारी जी, आज मुझे कोई काम नहीं मिला। तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाया नहीं तुमने? महावीर पुजारी को देखता रहता है, कुछ कहता नहीं। पुजारी समझ जाता है और उसे एक फल और खाने के लिए प्रसाद देता है। खाने के बाद महावीर की जान में जान आई। फिर उसे अपने घर वालों की याद आई कि उन्होंने कुछ नहीं खाया होगा, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, वे लोग शाम को उसकी राह देखेंगे। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तुम मेरा एक काम करोगे? क्यों नहीं पुजारी जी, बताइए मेरे लायक क्या काम है? मुझे एक बूटी चाहिए, पास के जंगल में मिल जाएगी। इसके बदले में मैं तुम्हें 2 बोरी अनाज दिलवा दूंगा, तुम्हें महीने भर का राशन हो जाएगा। महावीर को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। उसने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, अच्छा थोड़े पैसे भी दे दूंगा, अब तुम ज्यादा सोचो मत, इससे हम दोनों का काम हो जाएगा, पर ये बात तुम किसी को बताना नहीं। महावीर के पास कोई चारा नहीं था, उसने हाँ में सिर हिला दिया। पुजारी उसे सब समझा देता है। वह हाथ में एक बड़ी लाठी लिए जंगल पहुंच जाता है। बूटी के लिए वह जंगल में दूर तक चला गया, पर उसे पहाड़ी नहीं मिली जो पुजारी ने बताई थी। तभी उसे एक पहाड़ी दिखती है। शायद ये वही पहाड़ी हो जो पुजारी जी ने बताई थी, चलकर देखता हूँ। वह पहाड़ी पर चढ़ जाता है, उसे वहाँ बूटी मिल जाती है। शुक्रिया भगवान, बूटी मिल गई, अब मैं जल्दी यहाँ से जाता हूँ। महावीर बूटी लेकर जाने लगता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह उसे अनसुना कर आगे बढ़ता है। उसे फिर वही आवाज आती है। अरे ये तो किसी के रोने की आवाज है, लगता है कोई मुसीबत में है। महावीर आवाज का पीछा करते हुए पहाड़ी के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाता है। जैसे ही वह अगला कदम बढ़ाता है, चारों ओर अंधेरा छा जाता है। वह खुद को पहाड़ी की जमीन के नीचे पाता है। अरे ये क्या हो गया, मैं यहाँ कैसे आया? कहते हुए अपने हाथ पांव हिलाकर चेक करता है कि उसे चोट तो नहीं लगी। फिर उसका ध्यान रोने की आवाज पर जाता है। वह आसपास देखता है तो दंग रह जाता है। यह कोई और ही दुनिया है, आधे इंसान आधे जानवर या पक्षी, आदमी औरत बच्चे बूढ़े आदि। ऐसा ही जानवर रूपी एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था। देखकर महावीर घबरा गया। मैं कहां आ गया? उसकी बात सुनकर वे जानवर रूपी इंसान हंसने लगे। क्या तुम मेरी बात समझ सकते हो? हम सबकी बात समझ सकते हैं। जिंदा हो या मुर्दा, मिट्टी पेड़ पानी हवा पत्थर सबकी। मुझे यहाँ से जाने दो। जाओ जाओ, हमने थोड़े तुम्हें बुलाया था, तुम खुद आए थे, खुद ही जाओ। यहाँ से जाने का कोई रास्ता तो बताओ। सब हंसने लगते हैं। हमें नहीं पता। महावीर सोचता है कि वह कहाँ फंस गया, अब वह अपने घर कैसे जाएगा। इतने में रोने वाले बच्चे खरगोश जैसा दिखने वाला की आवाज तेज हो गई। पहले कोई से चुप कराओ। तुम्हें क्या परेशानी है? तुम चुप रहो। क्यों चुप रहूं? तुम अपने आप को क्या समझते हो? चुप बे,
ऐसा कहते हुए वह उसे मारने लगता है। दोनों की भयंकर हाथापाई हो जाती है। पैने नाखूनों पंजों के वार से दोनों लहूलुहान हो जाते हैं। दोनों को बहुत चोट आती है। अरे कोई रोको तो इन्हें, नहीं तो एक दूसरे को मार डालेंगे। बस करो तुम दोनों। उसके ऐसा कहते ही दोनों लड़ना बंद कर देते हैं। अभी हमें झगड़ा बंद करके शाप से मुक्त होने के बारे में सोचना है। ठीक से बताओ क्या कहना चाहते हो। वे सभी पहले इंसान थे और एक गांव में रहते थे। ये सभी लोग हमेशा एक दूसरे को तंग करते रहते। लड़ाई झगड़ा ठगबाजी तो रोज का काम था, स्वार्थ लालच जलन का तो क्या कहना। एक बार हमारे गांव में एक सिद्ध महात्मा जी आए। हम सब ने उनका बहुत अपमान किया। उन्होंने गुस्से में हमें शाप दे दिया कि हम सब अपने अपने कर्म के हिसाब से जानवर बन जाएं। फिर हमें दुनिया से दूर यहां बंद कर दिया। मूर्ख हो सब, कह सकते हो। मुझे यहां से जाना है। यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। कैसे? इस शाप से मुक्ति के केवल दो रास्ते हैं। एक है यहां किसी तरह सूरज की रोशनी पहुंच जाए, और दूसरा है किसी साधारण इंसान की बलि। इससे देवता प्रसन्न हो जाएंगे और हम भी। पागल हो सब, किसी इंसान को मारकर कौन से भगवान खुश होते हैं। चुप, ले चलो इसे। सब डरते हुए महावीर को देवता की मूर्ति के पास ले जाकर खड़ा कर देते हैं। ये शुभ काम मैं करूंगा। रुको, पहले इसके शरीर के सभी अंग देख लो, ये पूरा है कि नहीं, वरना बलि कबूल नहीं होगी। बंदर रूपी आदमी महावीर के पैर, पेट, सिर, आंखें चेक करने के बाद गुस्से से गुर्राया, हो गया सब बेकार। इसके बाएं हाथ में 6 उंगलियां हैं। यह देख सब जमीन पर बैठ जाते हैं। खरगोश रूपी बच्चा फिर से रोने लगता है। इसका मतलब हमें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। सूरज की रोशनी तो यहाँ कभी नहीं आ सकती। और वह भी रोने लग जाती है। मुझे जाना है। जाओ, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। पर एक बात याद रखना, हमारा भेद तुम्हारे सिवाय किसी को पता ना चले, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा हम नहीं जानते। कोई रास्ता? हमें नहीं पता। पता होता तो क्या हमारी ये हालत होती। महावीर चलकर पूरी गुफा को हाथ लगा लगा कर ध्यान से देखता है। अचानक एक स्थान पर हाथ लगाते ही गुफा में अंधेरा छा जाता है और महावीर स्वयं को पहाड़ी की उसी जगह खड़ा पाता है जहां से वह गायब हुआ था। हे भगवान, क्या मैं कोई सपना देख रहा था? घबराया हुआ महावीर पास ही गिरी हुई अपनी बूटी और लाठी उठाकर वहां से भाग जाता है। वह सीधे मंदिर पहुंचकर पुजारी को वह बूटी दे देता है। पुजारी, वाह, यही तो वह बूटी है। पूरी रात महावीर को नींद नहीं आती। बार बार वही रोने की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। तंग होकर वह आधी रात को बैठ जाता है। उसके मन से आवाज आती है कि अगर तू उनकी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। वे मूर्ख उस गुफा में लड़ लड़ कर एक दूसरे को ही दुखी करते रहेंगे। अगले दिन पुजारी महावीर को कुछ रुपए और 2 बोरी अनाज देता है। महावीर वह सब अपने घर वालों को देकर कहता है कि वह कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा है। उसके वापस आने तक वे सब अपना ध्यान रखें। कुल्हाड़ी, कुदाल आदि औजार लेकर जंगल की ओर वह निकल पड़ता है। पहाड़ी के ऊपर वह उसी जगह पहुंचता है जहां से वह गायब हुआ था। उसने अगला कदम बढ़ाने से पहले सारे औजार अपने शरीर से बांध लिए। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, चारों ओर अंधेरा छा गया और वह फिर से इन जानवर रूपी इंसानों के बीच पहुंच गया। तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? तुमने हमारा भेद किसी को बताया तो नहीं? नहीं, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अब तुम हमारे किसी काम के नहीं, वरना हम क्या पागल हैं जो तुम्हें जाने देते। शाप से मुक्त होने का दूसरा उपाय भी है, कभी सोचा है उसके बारे में? हम इतने भी मूर्ख नहीं हैं, कोशिश कर चुके हैं, एक पत्थर तक नहीं टूटा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। करने दो इसे जो करना चाहता है।
महावीर कई दिनों तक छत को तोड़ने की कोशिश करता है। बाकी लोग भी उसकी मदद करते हैं। बड़ी मुश्किल से वह एक गड्ढा करने में सफल हो जाता है। गड्ढे से सूरज की किरणों के अंदर आने पर महावीर का चेहरा खिल जाता है, पर बाकियों के चेहरे पर उदासी थी। देखो देखो, धूप आ रही है। कहाँ कहाँ है धूप? महावीर समझ गया कि केवल वही धूप को देख सकता है और कोई नहीं। वह उस गड्ढे से निकलकर पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है, पर बाकी जानवर रूपी लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। उन्हें लगा कि महावीर अचानक गायब हो गया। ये अचानक कहां गायब हो गया? महावीर पहाड़ी के ऊपर खड़ा सोचता है कि वह अब क्या करे। कुछ समझ नहीं आ रहा। वह सोचता है कि इस बार वह यहीं से खुदाई करेगा। पहाड़ी का मुआयना करते करते वह बूटी वाले छोटे पेड़ के पास पहुंचा। जमीन कच्ची होने से वह वहीं खोदना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद एक बड़े पत्थर के टुकड़े के गिरते ही नीचे से खुशी से चिल्लाती हुई आवाजें आती हैं। धूप आ गई, धूप आ गई। महावीर ने ध्यान से देखा, धूप सीधे नहीं बल्कि बूटी वाले पेड़ से छनते हुए नीचे जा रही थी। वह पूरा रहस्य समझ गया और सभी जानवर सुंदर इंसान बनकर उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। हमें शाप से मुक्त करवाने के लिए धन्यवाद दोस्त। आपके इस उपकार के बदले हम कुछ नहीं दे सकते। एक पत्थर का टुकड़ा देते हुए, इसे रख लो भैया, हम चाहते हैं कि आप इसे रख लें, यह आपके कुछ काम जरूर आएगा। और वे सब वहां से एक नए और सुंदर जीवन की शुरुआत करने के लिए चले जाते हैं। महावीर भी अपने घर आ जाता है। महावीर ध्यान से देखता है, वह साधारण पत्थर नहीं, हीरा था। उसे बेचकर मिले रुपयों से वह अपने काम करने लगता है और उसकी गरीबी दूर हो जाती है।